नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। फ्रांस में जन्मे माइकल दी नास्त्रेदमस की 465 साल पुरानी भविष्यवाणियां नास्त्रेदमस प्रेडिक्शंस 2021 आज तक लोगों को हैरान कर रही हैं। नास्त्रेदमस ने सदियों पहले लेस प्रोफेटीज नाम की एक किताब में दुनिया को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी। इस किताब का पहला संस्करण 1555 में आया था। इस किताब में कुल 6338 भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से 70% सच साबित हुई हैं। उनकी भविष्यवाणियां छंदों में परिभाषित हैं, जिसे क्वाट्रेन कहा जाता है। 2020 की भविष्यवाणी। साल 2020 में फैली कोरोना वायरस की महामारी, कोरोना वायरस को भी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा कई ऐतिहासिक घटनाएं भी उनकी सच्ची भविष्यवाणियों का सबूत बन चुकी हैं। आइए जानते हैं साल 2021 को लेकर नास्त्रेदमस ने कैसी भविष्यवाणी की है। जॉम्बी माइकल दी नास्त्रेदमस। माइकल दे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक एक रशियन वैज्ञानिक ऐसा जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन और वायरस विकसित करेगा जो इंसान को जॉम्बी नास्त्रेदमस प्रेडिक्ट्स जॉम्बी इन 2021 बना देगा। इस तरह इंसान की प्रजाति का सर्वनाश हो जाएगा। अकाल। नास्त्रेदमस ने कहा था कि अकाल, भूकंप, तरह तरह की बीमारियां और महामारी दुनिया के अंत के पहले संकेत होंगे, जैसा कि इस दौर में भी हो रहा है। साल 2020 में कोरोना वायरस की महामारी इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये एक ऐसा अकाल होगा जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया होगा। दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस तबाही से उबर नहीं पाएगा। सूर्य की तबाही। सूर्य की तबाही 2021 दुनिया भर की प्रमुख घटनाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण वर्ष होगा। इस दौरान सूर्य की तबाही पृथ्वी के क्षतिग्रस्त का कारण बनेगी। नास्त्रेदमस ने एक चेतावनी में समुद्र तल के बढ़ने और पृथ्वी के उसमें समाने की बात भी कही थी। जलवायु परिवर्तन के ये नुकसान युद्ध और टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। रिसोर्स के लिए दुनिया में झगड़े शुरू होंगे और लोग पलायन करेंगे। पृथ्वी से टकराएगा धूमकेतु। नास्त्रेदमस ने एक क्वाट्रेन में पृथ्वी से धूमकेतु टकराने की बात भी कही है, जो भूकंप और कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनेगा। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ये स्टेरॉयड उबलना शुरू कर देगा। आकाश में ये नज़ारा ग्रेट फायर जैसा होगा। वैज्ञानिकों की चेतावनी। बता दें कि नासा के वैज्ञानिकों ने पहले ही एक बड़े धूमकेतु के पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई है। इस बार इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि 2009 KF1 नाम के एक एस्टेरॉयड के 6 मई 2021 को पृथ्वी से टकराने का खतरा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस एस्टेरॉयड की ताकत 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से करीब 15 गुना ज्यादा होगी। कैलिफोर्निया में भूकंप। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक एक प्रलयकारी भूकंप न्यू वर्ल्ड को तबाह कर देगा। कैलिफोर्निया को इसका लॉजिकल प्लेस कह सकते हैं, जहां ये घटना हो सकती है। प्राकृतिक आपदाओं और त्रासदियों को लेकर पहले भी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां एकदम सच निकली हैं। ब्रेन चिप। मानव जाति को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिकों को कम से कम दिमागी स्तर पर साइबॉर्ग्स की तरह बदल दिया जाएगा। इसके लिए ब्रेन चिप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये चिप इंसान के मस्तिष्क के बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का काम करेगी। इसका मतलब हुआ कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी बुद्धि और शरीर में शामिल करेंगे।